तो 2 4 दिन के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड। इसमें जो MHC मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहला टॉपिक है MHC मॉलिक्यूल्स जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। MHC मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कम्प्लेक्स, MH एंड C, जिसको मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कंपैक्टिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबिलिटी है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगी, 2 3 लेक्चर्स होंगे इसमें मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कम्प्लेक्स के लिए। 1 2 लेक्चर हम देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात जो है इसमें जो आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस पे। ये प्रोटीन्स है, दीज आर सरफेस प्रोटीन्स, जो मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कम्प्लेक्स क्या चीज़ है, दीज आर सरफेस प्रोटीन्स जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मेम्ब्रेन पे। जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है उनके मेम्ब्रेन्स पे MHC मॉलिक्यूल्स, MHC प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस मेजर MHC मॉलिक्यूल्स? इनका काम होता है रिकॉग्निशन का, आइडेंटिफिकेशन का, किसका, एंटीजन जो होता है, जैसे सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन का मतलब बिटवीन जो हमारी सेल्स है उनको रिकॉग्नाइज करना, और नॉन सेल्फ बॉडी, नॉन सेल्फ बॉडी मतलब जो नॉन सेल्फ है, जो बाहर से आया है, फॉरन है, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये इनका काम है। MHC मॉलिक्यूल्स का काम है कि जो बॉडी के बाहर से आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, एंटीजेंस वगैरह को, और जो बॉडी के अंदर है उसको रिकॉग्नाइज करना, ताकि जो बॉडी के प्रोटीन्स वगैरह सब है या सेल्स है, अपने ही ऑर्गन्स को, अपने ही टिश्यूज को एनग्रोथ ना करे, ठीक है। तो कौन सी चीज़ इसको बचाती है, दैट इज MHC मॉलिक्यूल्स। नंबर टू, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जब हम किसी बंदे में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जैसे किडनी, किडनी देते हैं हम किसी को, किसी को बोलते हैं हमको, यार इसने, उस बंदे ने इसको किडनी दे दी, तो ये चीज़, इसमें सबसे पहले हम कंपेटेबिलिटी देखते हैं किस चीज़ की, MHC मॉलिक्यूल्स। जितनी सिमिलैरिटी, जितनी कंपेटेबिलिटी MHC मॉलिक्यूल्स में दो पर्संस में होगी, उतना ही इजी रहेगा उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना दूसरे बंदे में, ठीक है। तो MHC का रोल कहाँ पे है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं, वहाँ पे हम MHC मॉलिक्यूल का ही ये देखते हैं, मतलब आर दे कंपैटिबल टू ईच अदर और नॉट, ठीक है। अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग लें तो हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, आपको पता है। कंपैटिबिलिटी मतलब, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है लिविंग टुगेदर हारमोनियसली, मतलब आराम से एक दूसरे के साथ रहना है। जैसे हमने एक बंदे की किडनी ले ली और दूसरे में डाल दी, वो किडनी वहाँ पे आराम से एडजस्ट हो गई, ठीक है। टिश्यू लिया हमने, वो दूसरे बंदे में डाल दिया, वो आराम से एडजस्ट हो गया, वैसे ही काम करने लगा जैसे उसका ओरिजिनल ऑर्गन काम कर रहा था, तो वैसे ही वो सब कुछ काम हो रहा है वहाँ पे अब, तो उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। ये जो है, ये कोई टिश्यू है, ये कोई टिश्यू हमने उठाया दूसरे बंदे में डाल दिया, उसका वो टिश्यू जो था, जैसे लिवर है, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं हम, लिवर हमने किसी दूसरे एक बंदे का उठाया, वो दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया, उसमें हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे पहले कि ये जो MHC मॉलिक्यूल्स है आर दे मैचिंग विथ ईच अदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, MHC मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिकॉग्नाइज ओनली टी लिम्फोसाइट्स। ये सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। जो दो MHC मॉलिक्यूल्स इम्यूनिटी में काम करते हैं, दैट इज MHC-1 एंड MHC-2। अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे MHC की। MHC-1 और MHC-2 जो है, दीज टू मॉलिक्यूल्स, टू MHC मॉलिक्यूल्स, दे वर्क इन इम्यूनिटी, ठीक है, दे वर्क इन इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी में काम करते हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स जो होती है वो MHC-2 को रिकॉग्नाइज करती है, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती है वो MHC-1 को मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है। मैंने पहले दिन ही आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, जिस MHC-2 टी हेल्पर सेल प्लस CD4, दूसरी कॉम्बिनेशन मैंने बताई थी टी साइटोटॉक्सिक सेल MHC-1 प्लस CD8, मतलब ये तीन चीज़ें एक साथ काम करती है, ये तीन चीज़ें एक साथ काम, टी हेल्पर सेल प्लस MHC-2 मॉलिक्यूल प्लस CD4, ये एक साथ काम करते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल, MHC-1 मॉलिक्यूल एंड CD8, ये एक साथ काम करते हैं। ये इसमें ऑब्जेक्टिव पक्का आता है, 100% ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी। हिस्ट्री में हम देखेंगे सबसे पहला बंदा जो था, पीटर गोरर था,
इसने चार टाइप्स ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद जॉर्ज स्नेल, डूसेट एंड बैरी आए, तीन साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके डिस्कवरी पे, एमएससी मॉलिक्यूल की डिस्कवरी पे। इन्होंने बहुत काम किया है इस पे, सो दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1980। कौन कौन सा? ये तीन साइंटिस्ट। उसके बाद अगर आप डिस्कवरी की बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है, तो आप पीटर गोरर के नाम, गोरर का नाम लिखेंगे, 1930 में इसने डिस्कवर किया था इसको। उसके बाद जो है क्लासेस ऑफ दीज एमएससी मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया है चार क्लासेस, हमें दो इंपॉर्टेंट क्लासेस इसमें पढ़ने हैं, पहला क्लास वन और क्लास टू। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है एमएससी वन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एमएससी वन मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर सिक्स, क्रोमोजोम नंबर सिक्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 128 जीन्स होते हैं टोटल, क्रोमोजोम नंबर सिक्स पे होते हैं ये 128 जीन्स के बने होते हैं टोटल, और जो मतलब ट्रू जीन्स होते हैं, और इसमें 96 सीडो जीन्स होते हैं जिनको फॉल्स जीन्स बोलते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स बोलते हैं हम, जिसको हम स्प्लाइसिंग वगैरह बोलते हैं, तो वो जीन्स इंट्रॉन्स होते हैं, दे कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, उनको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, उनको रिमूव करते हैं हम लोग, दीज आर सीडो जीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है आपको, क्रोमोजोम नंबर सिक्स पे लोकेट होते हैं ये एमएससी मॉलिक्यूल्स, एमएससी के जीन्स, और इसमें 128 जीन्स प्रेजेंट होते हैं और 96 सीडो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस में, इस एमएससी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस में, ह्यूमन बॉडी में जो एमएससी मॉलिक्यूल होते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं वहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर टर्म है, इसको बोलते हैं HLA, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये चीज़ आप याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ह्यूमंस में जो एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम HLA बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। जैसे HLA क्लास वन, MSC क्लास वन एक चीज़ है, HLA क्लास टू, MSC क्लास टू दूसरी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, MSC वन मॉलिक्यूल जो है, क्लास जो है, ये 45 किलो डेल्टन का होता है, मॉलिक्यूलर वेट है इसका, और दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, सब की सब न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं ये एमएससी वन मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से, ये हर एक न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है एमएससी वन मॉलिक्यूल, एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये एंटीजन किसको प्रेजेंट करता है? टी साइटोटॉक्सिक सेल को, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है, और बाइंड किसके साथ करता है? CD8 के साथ, CD8 एडिजन मॉलिक्यूल ऑफ TC सेल, जो मैंने अभी बताया आपको कॉम्बिनेशन, टी साइटोटॉक्सिक प्लस MSC1 प्लस CD8, ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? टी हेल्पर, MSC2 एंड CD4, इट ब्रिंग्स अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी आपको याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ से बताया। क्रोमोजोम नंबर सिक्स पे होते हैं, 128 जीन्स होते हैं, 96 सीडो जीन्स होते हैं, और क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल को हम HLA1 बोल क्लास वन बोलते हैं, क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल हम HLA क्लास टू बोलते हैं ह्यूमन्स में। ठीक है, ह्यूमन्स में स्पेशल टर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स एमएससी मॉलिक्यूल्स के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रक्चर है इसका एमएससी मॉलिक्यूल का, एमएससी मॉलिक्यूल जो है, एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है इस टाइप का होता है, इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आप इतना याद रखो, ये अल्फा चेन का बना होता है और ये बीटा चेन, दो चेन्स होती है, एक अल्फा चेन है एक बीटा चेन है, ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन और अल्फा चेन, अल्फा में अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री, और ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप होती है इसमें, यहाँ पे पेप्टाइड बाइंड करता है, इसको हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।